हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने एक कटोरी बारीक बारीक सूजी ली है, अगर मोटी हो तो उसे हम ग्राइंड कर सकते हैं। और एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हम अपनी सूजी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए, जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है उसी कटोरी से आधा कटोरी बेसन ले लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जैसे नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और एक चौथाई चम्मच हम कलर के लिए हल्दी डाल देंगे, और एक चौथाई चम्मच से कम भी हींग डाल देंगे। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को और मसाले को और सूजी को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से एक कटोरी भर के दही ले लिया। ये मेरा घर का जमा हुआ दही है, आप चाहे तो खट्टा भी ले सकते हैं। देखिए, अब मैं दही डाल दूंगी और इसको चम्मच की सहायता से बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे दही की हमारी फुटके भी ना रहेंगी और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये बहुत हेल्दी नाश्ता है, आप इसे मॉर्निंग में भी बना सकते हैं, टी टाइम में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। बेसुर गुठलियाँ भी और लम्स बिल्कुल ना रहें, इसीलिए चम्मच की सहायता से बहुत अच्छे से हम इसको घुमा घुमा के फेंट लेंगे। एक राउंड से घुमाते जाएंगे और बहुत अच्छे से फेंटते जाएंगे। ये बहुत हेल्दी नाश्ता भी है, आप चाहें तो सुबह बच्चों के टिफिन में भी दे सकती है। कभी कभी बच्चे पराठे सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम हेल्दी नाश्ता दे सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैं चम्मच की सहायता से बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। इसको फेंटने में कम से कम 5 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि सूजी और बेसन को जितना अच्छा सा फेंटेंगे नाश्ता उतना अच्छा से बनके तैयार होगा। अब हमें लिड लगा के 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। देखिए, सूजी हमारी थुक मतलब गाढ़ी हो गई है, पानी बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल थिक से तो बनेगा नहीं नाश्ता, इसीलिए थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे, कम से कम 1 बड़े चम्मच, और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए, एक ही राउंड फिर से फेंटना है हमें, और बहुत अच्छे से घुमा घुमा के हम इसको फेंट लेंगे। देखिए, और थोड़ा सा गाढ़ा भी बैटर बनाना है, बैटर को पतला बिल्कुल नहीं करना है। अगर बैटर हमारा पतला हो जाएगा तो नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, इस तरीके से हम गाढ़ा गाढ़ा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम इनो लेंगे और इनो डाल देंगे। अगर आप चाहे तो मीठा या खाना सोडा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, इस तरीके से मैंने इनो डाल दिया है, थोड़े से पानी की छींटे डाल देंगे, इसे अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। अब हम एक ही राउंड अच्छे से घुमाते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छे से घुमा लेंगे एक राउंड हम। देखिए, इस तरीके से जल्दी जल्दी हम इसको घुमा लेंगे, जिससे हमारा नाश्ता बिल्कुल फ्लफी बनेगा। देखिए, बिल्कुल हल्का हो गया है और खूब अच्छे से फूल गया है। अब हमने एक इडली मेकर लिया है, आप चाहें तो इडली का छोटा स्टैंड भी ले सकते हैं, जिस पर छोटी छोटी इडलियाँ बन के तैयार होंगी। ये अप्पे मेकर है, इसमें बहुत छोटी छोटी इडलियाँ बन के तैयार होंगी। इसमें ऑयल को हम ग्रीस कर लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, इस तरीके से हम ऑयल को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको कोई लग रहा है मेरी वीडियो में कमी है तो उसको भी बताइएगा, जिससे मैं सुधार करूं। और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहती हूं। देखिए, ऑयल बहुत अच्छे से ग्रीस हो गया है, आप अपने बैटर को फटाफट डाल देंगे अप्पे मेकर में। देखिए, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से फूल जाएंगी, इसलिए बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बैटर को थोड़ा थोड़ा ही डालना है। देखिए, इस तरीके से मैं बैटर को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे खाचे में। इस तरीके से मैंने पूरा अप्पे मेकर भर दिया है। अब इधर मैंने गैस ऑन करके एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो अप्पे मेकर है वो रख देंगे और लिड लगा देंगे, और 15 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गया है, अब अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से ये नाश्ता बहुत अच्छा बनता है, नाइफ बिल्कुल सेफ निकल गया है। अब इसको गैस को ऑफ कर दिया है, 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अपने आप ही देखिए कितनी अच्छी सी इडलियाँ निकल रही हैं। देखिए, निकल के तैयार हो गई है, इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। एक बैच की तो बन के मेरी तैयार हो चुका है ये नाश्ता, अब हम दूसरे बैच का भी बना लेते हैं। अब हम अप्पे मेकर में ऑयल मैंने ग्रीस कर लिया है, अब उस बैटर को फिर से डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा बैटर को हमें नहीं डालना है और बहुत सावधानी से डालना है। देखिए, अब हमने फिर से अप्पे मेकर में अपने बैटर को डाल दिया है और भगोने में रख दिया है। 15 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे,
15 मिनट हो चुके हैं। अब अपने फिर से चेक कर लेंगे एक नाइफ से। देखिए ये बैच भी मेरा बन के तैयार हो गया है। अब इसको भी गैस को ऑफ कर देंगे 15 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए अब ये भी आसानी से निकल गई हैं। अब इसमें एक अच्छा सा तड़का दे देते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये मैंने तड़का नॉनस्टिक फ्राई पैन रख दिया है। अब इसमें ऑयल लगा देंगे। देखिए ऑयल जब अच्छा सा हो गया था थोड़ा सा, तब हम इसमें एक सूखी मिर्च डाल देंगे, और कम से कम मैंने 4-5 हरी मिर्च कट करके रखी थी उनको भी डाल देंगे। राई डाल देंगे 1 चम्मच। राई को डाल देंगे। देखिए राई हमारी बहुत अच्छे से जब चटक जाएगी, तब इसमें मैंने करी पत्ता डाल देंगे, और 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी डाल देंगे। हल्दी हमारी ऑयल में ही अच्छे से भून जाएगी। थोड़ी सी मैंने एक पिंच हल्दी डाल दी है। अब इसमें मैं सफ़ेद तिल डाल दूंगी 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा सा नाश्ता बन के तैयार होगा। अब जो मैंने छोटी छोटी सी बेसन और सूजी की इडलियाँ बना के रखी, इनको डाल देंगे और उलट पलट कर लेंगे। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, कलर कितना अच्छा आया है। इस तरीके से इनको 2-3 मिनट तक बहुत उलट पलट कर लेंगे, और बहुत अच्छे से ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है 1 चुटकी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैं सर्विंग प्लेट में निकाल ली है। देखिए देखने में यम्मी लग रही है ना, आप बताना कैसी लग रही हैं। देखते ही आ गया ना मुंह में पानी। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, कट करके भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल फूली फूली और सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। इसको आप ग्रीन चटनी से, सॉस से एंजॉय कर सकते हैं। मेरिया सब ने इसको ग्रीन चटनी से एंजॉय किया, बहुत अच्छी, सब ने बहुत तारीफ की। अगर आप सबको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।